हेलो एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति और हम बनाएंगे बारबेक्यू नेशन का ये स्टार्टर डिश। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अमेजिंग रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। बॉयल करेंगे बेबी पोटैटो 20 से 25 और हमें यहाँ पर 10 मिनट तक बॉयल करना है। हम फोक से चेक करेंगे कि ये पका या नहीं। जब ये पक जाए तो फिर हम गैस बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बोल में डालेंगे 3/4 कप वेज मायोनीज। उसके बाद मैं इसमें ऐड करेंगे 3 छोटे चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 छोटे चम्मच हम ऐड करेंगे अनियन पाउडर, 1 छोटे चम्मच हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च डालेंगे पाउडर 1 छोटे चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे इसमें मिक्सड हर्ब, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गार्लिक पाउडर और जो ऑनियन का पाउडर हमने डाला है उसको स्किप ना करें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मेयोनीज से थोड़ा पतला पेस्ट चाहिए हमें यहाँ पे। इस डिश का नाम है केजन पोटैटो। अभी हम केजन को रेडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1/4 कप के लगभग मिल्क ऐड करेंगे ताकि हमारा जो केजन है थोड़ा सा थिन रहे, तो इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। अब हम बॉयल किया हुआ पोटैटो लेंगे 1-1 करके और हथेली की मदद से इसको हम जेंटली प्रेस करके सभी को रेडी कर लेंगे। तो 1-1 करके सारे को हम ऐसे तैयार करके रख लेंगे साइड में। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करनी है। तो एक बोल में लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा और ऐड करेंगे 1/4 कप के लगभग हम पानी ऐड करेंगे। स्लरी हमारी थोड़ी पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। कैसे मिक्स करते हुए हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो स्लरी है वो रेडी हो गया है, स्लरी हो गई है रेडी। अब इसमें डिप करेंगे अच्छे से हर तरफ से पोटैटो को और फिर इसको डालते जाएंगे गरम गरम तेल में। तो सारे को अच्छे से हम हाथ को बचाकर डाल देंगे और फिर उलट पुलट करके दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसको निकालेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। हमारी क्रिस्पी पोटैटो अभी रेडी है। अभी हम करेंगे प्लेटिंग। तो उसके लिए लेंगे पोटैटो को एक प्लेट में, उसके ऊपर डालेंगे केजन जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। ये जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि किन किन को केजन पोटैटो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू नेशन में। चलिए करते हैं गार्निश। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा प्याज और स्प्रिंकल करके हरा धनिया। हमारा केजन पोटैटो क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही टेस्टी, ईजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।